हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है एचपी का, जिसका मॉडल है एचपी 15BS। इसके बैटरी प्रॉब्लम है, जब हम ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता है बैटरी पे, चार्जर पे लगा के करते हैं तो चार्जर पे ऑन हो जाती है हमारी मशीन। इसको चार्जर पे लगाते हैं, चार्जर पे लगा के हमारी मशीन ऑन हो जाती है। ये हमारी मशीन ऑन होगी तो इसकी बैटरी में प्रॉब्लम है, इसकी बैटरी चेंज करते हैं। हम इसकी बैटरी कैसे चेंज करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं कि एचपी 15BS की बैटरी कैसे चेंज करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मशीन को बंद करेंगे। ये यहाँ पे दो लॉक होते हैं, एक लॉक इधर जाता है, दूसरा लॉक इधर, हमारी बैटरी बाहर आ जाती है। ये हमारी बैटरी बाहर आ गई, ये खराब बैटरी है, हम दूसरी नई बैटरी लगाते हैं। लैबकेयर कंपनी की बैटरी होती है, ये कंपेटेबल बैटरी बोलते हैं हम इसको। ये बैटरी है, न्यू बैटरी हम इसमें लगा रहे हैं। बड़ा सिंपल होता है, वही लॉकिंग वाला सिस्टम है इसमें, पूरा लैपटॉप नहीं खोलना पड़ता है, बाहर से ही लग जाती है। इसको हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं बैटरी को। ये हमारी बैटरी लग गई है, अब हम देखेंगे हमारी मशीन बैटरी पे ऑन होती है या नहीं होती है। फिर ये आप देखोगे हमारी मशीन बैटरी पे ऑन हो गई है। तो इस प्रकार आपके पास भी यदि कोई भी लैपटॉप हो जिसकी बैटरी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर दिखा।